आज बीडीए की प्रवर्तन टीम एवं थानाध्यक्ष थाना फतेहगंज पश्चिमी द्वारा तस्कर के अवैध आलीशान निर्माण के विरुद्ध की गई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। बरेली विकास क्षेत्र के अंतर्गत सोनू कालिया पुत्र सद्दीक द्वारा मोहल्ला सराय वार्ड नंबर 13 कस्बा फतेहगंज पश्चिमी बरेली पर भूतल, प्रथम तल एवं ममटी का निर्माण बरेली विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए आलीशान अवैध आवासीय भवन का निर्माण कराया गया। उक्त अवैध निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के सहायक अभियंता अनिल कुमार, अवर अभियंतागण सुनील कुमार गुप्ता, अजय कुमार शर्मा, रमन कुमार आदि, प्रवर्तन टीम एवं थानाध्यक्ष थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली की पुलिस बल की मौजूदगी में आज उक्त अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सफलतापूर्वक संपादित की गई। बरेली विकास क्षेत्र के अंतर्गत बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किए कराए गए अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध प्रभावी रूप से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही निरंतर की जाती रहेगी। अनाधिकृत निर्माण चाहे वह किसी कॉलोनाइजर द्वारा कराया गया हो या किसी तस्कर द्वारा कराया गया हो अथवा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कराया गया हो, उसके निर्माणों पर प्राधिकरण स्तर से किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी। अनाधिकृत निर्माणों को प्राथमिकता के आधार पर ध्वस्तीकरण अभियान में सम्मिलित करते हुए उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती रहेगी। श्रुति क्रिएटिव आर्ट्स स्टूडियो के संयोजक ज्योति गोयल के तत्वाधान में बांकी बिहारी मंदिर के पास राजेंद्र नगर में आर्ट कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वर्गों के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रतियोगिता का विषय सेव एनवायरमेंट एवं योगा था। प्रतियोगिता का विषय का चयन बच्चों के एनवायरमेंट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रखा गया। प्रतियोगिता में प्रथम वर्ग में क्रमशः आरव, निमानी, नित्यावास और स्मृति क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय आय एवं द्वितीय वर्ग में अवनी अग्रवाल, नव्यावास और काव्या प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आय। तृतीय वर्ग में विधि राजगढ़िया, रिद्धि सिंह, प्रियांशी शर्मा एवं अंधा बंसल क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय आय। इन छात्रों को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं के मुख्य अतिथि आरपी शर्मा एवं वीना मलिक ने बच्चों को कला से संबंधित विभिन्न जानकारी प्रदान की। ये बहुत अच्छा बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि बच्चों को एक ड्राइंग करना, बच्चों को घर में बैठना, टीवी मोबाइल देखने से अच्छा है कि बच्चे घर कुछ निकले, कुछ सीखे। बच्चे घर में तो बच्चे बस क्या है, टीवी चलाएंगे और मोबाइल चलाएंगे, और इस टाइम 2 साल में बच्चों ने कोरोना में बस इसके अलावा कुछ सीखा भी नहीं, और बच्चों ने पर आज आपकी साल बच्चों ने निकल के बहुत कुछ अच्छा किया है, और आपकी पेरेंट्स ने बहुत अच्छा बच्चों को बाहर निकाला है, और अच्छी काफ़ी बच्चे भी काफ़ी अच्छे रहे, बच्चों का काम भी अच्छा रहा। आर्ट स्टूडियो से ज्योति गोयल बोल रही हूँ। आज हमारे बच्चे ने ड्राइंग कंपटीशन किया है, जिसमें बच्चों ने सेफ एनवायरनमेंट पे, योगा पे, बहुत सारे टॉपिक्स पे इन पे ड्राइंग बनाया है। उनकी वैल्यूज बताई है कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास 3 कैटेगरीज के बच्चे हैं, ए, बी और सी कैटेगरी, 3 कैटेगरी के बच्चे हैं, जिन्होंने सेफ एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छे से ड्राइंग को बनाया है। सफाई सबका हक है, अब केमिकल बेस्ड फ्लोर क्लीनर से घबराना हुआ बंद। हमें है आपकी सुरक्षा का ध्यान, फौना लाया है बिना केमिकल का फ्लोर क्लीनर सफाई की प्रायोरिटी के साथ कई आकर्षक कलर में और मनमोहक खुशबू के पिटारे के साथ, जो आप भुला ना पाए और हर पल दे ताजगी का एहसास। तो आज ही घर लाइए फौना फ्लोर क्लीनर। कॉन्टेक्ट करें 9897066784 या ईमेल करें